चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमारुतण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ये लड़कों को जरा मना करो, इधर बैठे। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदं
मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ये लड़के को जरा इधर लाओ पकड़ करके, ये उपद्रव कर रहा है, बार बार उधर जाता है, लाओ पकड़ करके। ए छोकरा चलो इधर, मारो एक दो थप्पड़, मारो एक थप्पड़ मारो इसको। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। इधर चलो रे, ए लड़को इधर चलो, चलो इधर दूर बैठो, उधर चलो, उधर दूर बैठो। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वारत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततं आनतोस्मि श्रुतिस्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ
ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पराग पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ, और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस उपाय से होगी उस उपाय को मैं नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। सो जाने जह देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इसलिए हे भगवान, मैं आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है, आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अछेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो असोऽस्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम् सनातनः
अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है वो स्वभाव से ही सच्चिदानंद रूप है। सत होने से उसका जन्म मरण नहीं होता है, चित होने से अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप है, आनंद होने से आदि अंत रहित आनंद का सिंधु है। इस प्रकार से हमारा तुम्हारा आत्मा स्वाभाविक सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा के नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ना तो आत्मा को कोई भाला बर्छी तीर तलवार अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, ना जल गीला कर सकता है, और नहीं अग्नि जला सकता है, और नहीं वायु सुखा सकता है, मृत्यु भी छू नहीं सकता है। तो अर्जुन, आत्मा का नाश कौन करेगा? क्योंकि सबसे बड़ा बलवान संसार में मृत्यु देखा जाता है, काल सबसे बड़ा बलवान है, परंतु जब काल छू नहीं पाएगा आत्मा को तो कैसे नाश करेगा? इसलिए अर्जुन, आत्मा स्वभाव से ही अजन्मा है, अजन्मा का नाश कोई नहीं कर सकता है। नाश तो उसका होता है जिसका जन्म होता है, मृत्यु उसी का नाश करती है जिसका जन्म होता है, और जिसका जन्म ही नहीं है उसका मृत्यु कैसे नाश करेगी? मृत्यु जन्म वताम वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्द शतांते वा मृत्यु रुवई प्राणी नाम ध्रुवा। हे वीर, मृत्यु जन्म वताम वीर देहेन सह जायते, जिस समय इस देह का जन्म होता है उसी समय मृत्यु का साथ ही साथ जन्म होता है, और मृत्यु इस शरीर को उसी दिन से खाना शुरू कर देती है। ये शरीर मृत्यु का भोजन है, माने एक एक दिन इस शरीर को खाती जाती है, कम करती जाती है, जब खाया जाएगा तो कम होता चला जाएगा। एक दिन खा गई, एक दिन कम हो गया, एक महीना बीत गया इस शरीर के जन्म का, तो एक महीना ये मृत्यु ने खा लिया, ये कम होता चला रहा है। कोई चीज़ जब खाई जाएगी तो कम नहीं हो जाएगी, उतनी ही थोड़ी बनी रहेगी। तो ये शरीर और सारा संसार मृत्यु का भोजन है, उसी को खाती है, शरीर को ही खाती है। जब 10 बरस का हो गया तो 10 बरस इस शरीर का खा गई। माँ तो कहे मम सुत बड़ भयो नहीं जानत कि अब घट गयो। माता कहती है मेरा बेटा 10 बरस का हो गया, बड़ा इतना बड़ा हो गया, पर माता ये नहीं जानती है कि 10 बरस मेरे बेटे के घट गए, अब ये घटते घटते मृत्यु की तरफ जा रहा है। जब रोज खाएगी ये मृत्यु, कैसे कब तक जिएगा ये? परंतु आत्मा को तो जब जन्म ही नहीं हुआ है तो उसको खाएगी क्या? वो घटेगा कैसे जिसका जन्म ही नहीं हुआ? तो ज्यों का त्यों रहेगा,
वो तो एक एक दिन मृत्यु को देखता है ना, शरीर के देखता है कि मृत्यु शरीर को खा रही है एक एक दिन, तो दृष्टा साक्षी मात्र है, आत्मा को मृत्यु नहीं छूती है। भयादस्य अग्निस्तपति भयात तपति सूर्या भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। ईश्वर के भय से अग्नि तपता है, सूर्य तपायमान होता है, इंद्र समय पर वर्षा करता है और वायु चलता है ईश्वर के भय से, और मृत्यु धावती पंचम, और मृत्यु दौड़ा दौड़ा फिरता है, शरीरों को मारता है, परंतु उन्हीं को मृत्यु मारता है जिनका जन्म होता है। अर्जुन, आत्मा का तो जन्म नहीं होता है, न जायते तो मृते वा कदाचित, जब जन्म नहीं तो मरेगा क्या? जिसका जन्म होगा ना वही ना मरेगा, मृत्यु उसी को तो खाएगी। इसलिए आत्मा की मृत्यु की शंका संशय छोड़ दो अर्जुन, निशंक हो जाओ अपने मरने से, तो आत्मा में मृत्यु नहीं है अर्जुन। तो जब मृत्यु है ही नहीं है तो निवृत्ति क्या करे? हटाया उसको जाता है जो होए, तो मृत्यु यदि हो तो उसको हटाया जा सके, जब है ही नहीं तो क्या हटावे? इसलिए अर्जुन, हमारी तुम्हारी आत्मा में मृत्यु है ही नहीं, इसलिए मृत्यु की शंका छोड़ दो। और अज्ञानता नहीं है आत्मा में, क्योंकि आत्मा अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान अविनाशी है। माशाब्द युग कल्पेशु गता गम्मे स्वनेकधा नोदेति नास्तमेते का संविदेशा स्वयं प्रभा। अर्जुन, कितने ही मास वर्ष युग कल्प बीत गए, आगे भी आएंगे, परंतु हमारा तुम्हारा जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये कितने सब मास वर्ष जो कल्प को देखता है, अखंड ज्ञान स्वरूप है, न उदय होता है न अस्त होता है, दिन उदय होता है और दिन ही अस्त होता है, परंतु दिन रात को देखने वाला आत्मा तो उदय अस्त नहीं होता है। मास वर्ष युग कल्प आते जाते हैं, पर आत्मा तो आता जाता नहीं है। अचलो अयम सनातन, आत्मा तो अचल है अर्जुन। और सनातन है, सदा से है। कब से है आत्मा? जब जन्म ही नहीं हुआ तो कितनी उम्र आत्मा की बताई जाए? उम्र तो उसकी होती है जिसका जन्म होता है। आत्मा अनादि है, इसीलिए अनंत भी है। आत्मा का कोई आदि नहीं। आदि को जन्म कहते हैं, अंत को मृत्यु कहते हैं। तो जब आदि नहीं है तो अंत कैसे होगा? जन्म नहीं तो मृत्यु कैसे होगी? और अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप है। नहीं दृष्टु दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। इस दृष्टा आत्मा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है, क्योंकि अविनाशी है। इसलिए सज्जनों, आत्मा में अज्ञानता नहीं है। तो जब अज्ञानता नहीं है तो हटाया किसको जाए?
और ज्ञान अपना स्वरूप है, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं बनती। अप्राप्त से प्राप्ति, प्राप्ति तो उसको उसकी की जाती है जिसकी अप्राप्ति हो। और जो आत्मा अपना स्वरूप ही है, ज्ञान अपना स्वरूप है, तो प्राप्ति क्या की जाए। और आत्मा में अर्जुन दुख है नहीं, तो निवृत्ति किसकी की जाए। और आनंद आत्मा का स्वरूप है, इसलिए आनंद की प्राप्ति नहीं बनती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा स्वभाव से ही अविनाशी है, क्योंकि जन्म नहीं हुआ, चेतन है अर्थात ज्ञान स्वरूप, निर्मल है, कोई छू नहीं सकता आत्मा को जो मलिन कर सके आत्मा को। यद्यपि इस मलिन देह में आत्मा रहता है, परंतु मलिन देह में रहकर भी निर्मल ही रहता है, क्योंकि शरीर से संग नहीं होता आत्मा का। अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मला, उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते। अर्जुन, ये देह अत्यंत मलिन है और आत्मा अत्यंत निर्मल है। ये देह क्यों मलिन है? माता पित्रोत मलोत भूत्वा मल मांसमयम वपु तेजे चांडाल व दूरम ब्रह्मी भूय सुखी भवो। अर्जुन, माता पिता के मल मूत्र से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, तो ये भीतर तक मलिन ही है। कि मल मूत्र से जो चीज बनेगी, तो ऊपर से लेकर भीतर तक मल मूत्र ही तो होगा उसमें। गोबर की मिठाई बने, तो ऊपर से लेकर भीतर तक गोबर ही गोबर उसमें होगा। तो ये शरीर भी गोबर की मिठाई है। कोई बहुत गोबर की मिठाई में सोने चांदी के बर्फ मढ़ दे गए, तो ऊपर ऊपर तो दिखेगा कि बहुत सुंदर मिठाई है, पर भीतर तो गोबर ही भरा है। ऐसे ये चमड़े से ये शरीर मढ़ा है, तो ऊपर ऊपर से ये शरीर सुंदर दिखता है। चमड़ा निकाल दो, यही चांदी सोने के बर्क हैं, तो भीतर क्या है? शरीर में खून है, मांस है, हड्डी है, मल मूत्र है, यही तो भरा है शरीर में। कितना मलिन है ये। और इसी में आत्मा माने हम आप रहते भी हैं शरीरों में, परंतु इस मलिन शरीर को छूते नहीं। जब छुएंगे नहीं, तो शरीर का मल हमको कैसे लगेगा? निर्मल के निर्मल ही रहेंगे। भूलना नहीं यारो दुनिया की खुश नुमाई पर, हाय बर्क चांदी के लगे गोबर की मिठाई पर। सारे संसार के शरीर गोबर की मिठाई है, ऊपर से ये चमड़ा मढ़ा है, इसलिए भीतर की मलिनता दिखाई नहीं पड़ती, चाहे किसी के शरीर हो। सब शरीरों के भीतर मलमूत्र ही भरा हुआ है, और इसी मलिन देह में आत्मा रहता है, पर निर्मल ही रहता है। तो कहो अत्यंत मलिनो देहो, देह अत्यंत मलिन और देही च अत्यंत निर्मला। और देही हमारा तुम्हारा आत्मा का स्वरूप, देह में रहते हैं इसलिए देही कहे जाते हैं, तो अत्यंत शुद्ध हैं।
तो उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस शौचम विधीयते। अर्जुन, किसकी शुद्धि की जाए? आत्मा तो मलिन ही हुआ नहीं हुआ, निर्मल ही है, तो निर्मल की क्या शुद्धि की जाए? वो तो शुद्ध ही है। और जो शरीर मलिन है, इसकी शुद्धि कैसे हो? तो ऊपर ऊपर यदि मलिन होए तो स्नान करने से शुद्ध हो जाए। चाहे 10 बार दिन में नहाओ तो ऊपर की धूली गर्दा पसीना तो छूट जाएगा, पर भीतर की मलिनता कैसे न स्नान करने से दूर होगी? नहीं ना दूर होगी। इसलिए शरीर की भी शुद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि भीतर तक मलिन है। और आत्मा की शुद्धि, वो शुद्ध ही है, वो मलिन हुआ ही नहीं है, इसलिए आत्मा की भी शुद्धि नहीं बनती है। यदि शरीर ऊपर ऊपर मलिन होता तो स्नान करने से शुद्ध हो जाता, पर भीतर तक मलिन है इसलिए स्नान करने से शुद्ध नहीं हो। जैसे काला कोयला भीतर तक काला है, इसलिए उसको कोई साबुन सोडा लगा के जल से धोए तो जल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि भीतर तक काला है। एक उपाय संतों ने बताया है कोयले के शुद्ध होने का, क्या कहा? जिसके वियोग से कोयला काला हुआ है उसी का संयोग करा दिया जाए। तो अग्नि के वियोग से कोयला काला हुआ है और अग्नि का संयोग करा दिया जाए तो ऊपर से लेकर भीतर तक सब जल जाएगा उसका कालापन, तो भस्म हो जाएगा। तो वो जो भस्म होगी वो तो उज्ज्वल ही होगी बिल्कुल। भगवान शंकर भी उस विभूति को, उस भस्म को अपने अंग में लगाएंगे। इसी प्रकार से ये शरीर भी यदि ज्ञानाग्नि में भस्म कर दिया जाए तो ये भीतर तक भस्म हो जाएगा। और इस शरीर से जो पुण्य पाप हुए हैं, कर्म, और कर्मों का फल होता है जन्म मरण, सुख दुख, वो भी भस्म हो जाएंगे। गीता में भगवान ने यही बताया कि अर्जुन, यथाई धांसी समिद्धोग्निर भस्म सात कुरतेर्जुनो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरते तथा। अर्जुन, जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर, कोयले को जलाकर, काष्ठ कोयला ईंधन सबको जलाकर भस्म सात कर देता है, क्योंकि ये अग्नि का स्वभाव है, इसी प्रकार से अर्जुन, ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो सबको भस्म कर, शरीर और शरीर से होने वाले पुण्य पाप कर्म सब कर्मों को भस्म कर देती है। तुझे ये भस्म हो जाएगा तो फिर तो क्या हो, भस्म खत्म हो गया, क्योंकि पुण्य पाप जो कर्म होते हैं उसी से फिर दूसरा जन्म मरण होता है। अब पुण्य पाप ही खत्म हो गए, जल गए, तो जन्म कहाँ से होगा? जन्म मरण से छूट जाता है जीव।
तो ज्ञान ही एक ऐसी अग्नि है और ज्ञान परम पवित्र भी है। देखो ये अपवित्र शरीर में हम ही ज्ञान स्वरूप हैं, भला ज्ञान स्वरूप हम ही हैं, हम इस शरीर में रहते हैं, तो ये अपवित्र मलिन शरीर भी पवित्र माना जाता है और सुंदर भी दिखाई पड़ता है। इस शरीरों में जो सुंदरता है, चमक दमक है, अर्जुन ये शरीर की नहीं है, ये अपनी आत्मा की है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर सुंदर देखता है और पवित्र भी देखता है। जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ देगा, निकल जाएगा, ये तो अपवित्र शरीर पहले से है ही है, और फिर सुंदर भी नहीं लगेगा जीवात्मा के निकलते, भयंकर लगेगा, डर लगेगा इसको देखने से। तो शरीर में जो सुंदरता है उस शरीर की नहीं किंतु आत्मा की है। शरीर में जो सुख है, विषय सुख मिलता है ना इंद्रिय और विषयों के संबंध से, वो भी आत्मा का ही है। वो आभास, आत्मा का आभास प्रतिबिंब सुख है, विषयों में जो मिलता है। ये विषयों का सुख, विषयों में सुख कहाँ से आया? अपनी आत्मा का सुख है। लोग समझते हैं कि इंद्रिय और विषयों के संबंध से हमको विषय सुख मिल रहा है, विषयों से सुख मिल रहा है, परंतु विषय तो सब सूखे रूखे हैं, सूखी हड्डी और काष्ठ के समान है। सुख स्वरूप तो अपना आत्मा है। ये संसार तो असत है, जड़ है, दुख रूप है, इनमें सुख कहाँ से आया सारे संसार में? जैसे कुत्ता स्वान सूखी हड्डी चबाता है और कुत्ते के मसूड़े कट जाते हैं तो अपने ही मसूड़ों से खून निकलता है, और वो कुत्ता क्या समझता है कि ये हड्डी से खून निकलता, इसलिए हड्डी को छोड़ना नहीं चाहता और चबाता है और मसूड़े कटते हैं, अपने ही खून निकलता है, और समझता क्या है कि ये हड्डी से खून आ रहा है, इसलिए उसको हड्डी की रक्षा करने के लिए जो सिंह देखे, कोई सिंह आ रहा है तो हड्डी को लेकर भागेगा। क्यों? ये मेरी हड्डी न छीन लेवे कहीं, भला सिंह कहीं हड्डी छीनेगा, हड्डी चबाएगा? अरे सिंह तो ताजा शिकार करता है, खून पीता है, मांस खाता है, हड्डी छोड़ देता है, रूखी सूखी हड्डी। सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान ने रखी मृग राज, छीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपति न लाज। इसी पर से जो सुरपति इंद्र है, सुर नाम देवताओं का है, उसका पति इंद्र है। कोई भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का ध्यान चिंतन भजन तपस्या करता है तो इंद्र क्या समझता है कि मेरे स्वर्ग को ये छीनने के लिए तपस्या करता है, तो उसकी तपस्या में बाधा डालता है। भला बताओ, भगवान के पाने के लिए भक्त भजन करता है, उसको इंद्रलोक की कहाँ इच्छा है? और इंद्र विषय सुख को ही सबसे बड़ा सुख मानता है।
विषय सुख में नाच गान, विषय भोग में मगन रहता है, तो अज्ञानी इंद्र के समान ये कुत्ता भी अज्ञानी है, अपने ही खून को चूसता है, हड्डी सूखी हड्डी में समझता है कि वो सूखी हड्डी से आता है। इसी प्रकार से ये अज्ञानी जीव समझते हैं कि ये विषयों से सुख आता है, नहीं जानते कि हमारी आत्मा का ही ये सुख है। जब मन इंद्रिय विषय के संबंध से क्षण मात्र के लिए एकाग्र होता है ना, तो अपनी आत्मा का प्रतिबिंब आभास उसमें पड़ जाता है, वही सज्जनों विषय सुख है। पर वो आभास रूप होने से प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है, उसको प्रातिभाषिक सुख कहते हैं। और हमारा तुम्हारा आत्मा नित्य सुख रूप है, और आत्मा का वो आभास है, इसलिए वो प्रतीति मात्र है, प्रातिभाषिक सुख है। इसलिए हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्मा स्वभाव से ही नित्य सुख स्वरूप, आत्मा में दुख नहीं है, नित्य सुख स्वरूप। और नित्य सत्य है, अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान अपना स्वरूप है। लोग कहते हैं हमको आत्मा का साक्षात कराओ, साक्षात्कार कैसे हो पूछा करते हैं, बताओ आत्मा को हम कैसे जाने, क्या करें, क्या उपाय करें। व्यवहार दशा में मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो अपने जानने के लिए कोई योग यज्ञ तप करना पड़ता है। स्वभाव से सब जानते हैं अपने आप को, मैं व्यवहारिक दशा में कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये तो अपने आप जब वो है ही, तो उनके लिए कौन जप तप करे, योग करे या कोई ज्ञान विद्या पढ़े, तब अपने को जाने कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय हूँ, मैं गाय भैंस बकरी हूँ कि मनुष्य हूँ। अरे मनुष्य तो अपना स्वरूप है, वो तो जानता है कि मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य के जानने के लिए क्या करें, मनुष्य के पाने के लिए क्या उपाय करें। अरे वो जब स्वयं है तो मनुष्यता उसको अप्राप्त नहीं है। इसी प्रकार से सच्चित आनंद ये हमारा परमार्थ स्वरूप है, और ये देह में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पना है, स्त्री पुरुष पना है ये देह में। तो जब स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जानने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपना स्वरूप है, तैसे ही चेतन आत्मा सचेत आनंद ब्रह्म अपना स्वरूप है, उसके पाने के लिए भी क्या करना है। पाया उसको जाता है जो अपना ना हो, दूसरे से प्राप्त किया जाए, वो तो अपना स्वरूप है, उसको क्या पाना है, वो तो नित्य प्राप्त। तो सचेत आनंद स्वरूप की नित्य प्राप्ति है आत्मा को, और असत जड़ दुख रूप ये है नहीं आत्मा में, इसलिए निवृत्ति नहीं करना है। इसलिए हे अर्जुन, स्वभाव से ही अपने को सचेत आनंद स्वरूप आत्मा जानो, और ये जो देह हैं, शरीर हैं, ये असत हैं क्योंकि सदा नहीं रहते, और जड़ हैं क्योंकि इन शरीरों को ज्ञान नहीं है, और दुख रूप हैं। शरीर हैं, इंद्रिय हैं, मन हैं, बुद्धि हैं, ये दोनों शरीर ही हैं, स्थूल सूक्ष्म, इन्हीं के ये धर्म हैं, सुख दुख आदि। सुख दुख मन के धर्म हैं, भूख प्यास गुण प्राण के, और जन्म मरण शरीर का,
तो ये इनके धर्म है आत्मा के नहीं। तो आत्मा नित्य सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्ति नहीं करना है। तुमने पूछा अर्जुन कि अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। तो अर्जुन, तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप यही स्वभाव है। तो ये अज्ञान तो छू नहीं सकेगा, नष्ट कैसे होगा? अरे हम अज्ञान को जानते हैं, अज्ञान से होने वाले इन शरीरों को जानते हैं, क्योंकि ये भी अज्ञान रूप है। तो ये अज्ञान रूप शरीर हमारा स्वभाव नष्ट कैसे करेंगे? छू भी नहीं सकते हैं। तो हमारा स्वभाव ज्यों का त्यों सच्चिदानंद स्वरूप है। ये हमारा स्वयं का भाव है और असल जड़ दुख रूप ये शरीरों का स्वभाव है। अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता है। तो सच्चिदानंद हमारा स्वभाव है, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। असल जड़ दुख रूप जन्म मरण रूप ये शरीरों का स्वभाव है, सो इसको कोई बदल नहीं सकता। इस शरीरों में सारे संसार में रहेगा। ये दो टूक निर्णय है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।